भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर के अग्रिम क्षेत्र बोबिया में मिली सुरंग के अगले दिन वीरवार को जांच के दौरान सीमा सुरक्षा बल ने उसी के भीतर एक और सुरंग को ढूंढ निकाला है। हालांकि अभी इसका कोई मुहाना नहीं बना था। माना जा रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए विकल्प के रूप में सुरंग के अंदर दूसरा रास्ता बनाना चाहता था। बीएसएफ के आईजी एनएस जम्वाल पहले ही कह चुके हैं कि इस सुरंग को समुचित इंजीनियरिंग तकनीक से बनाया गया है। उपराज्यपाल तथा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा ने मकर संक्रांति पर वीरवार को माँ वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाकर राज्य की सुख शांति की कामना की। मुख्य पुजारी प्राकंड पंडितों के साथ विधिवत मंत्रोच्चारण के बीच स्वर्ण युक्त प्राचीन गुफा की पूजा अर्चना की। इससे पहले उपराज्यपाल जम्मू से सड़क मार्ग से आधार शिविर कटरा पहुंचे थे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के आध्यात्मिक केंद्र में कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से बैठक भी की। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन की 1,46,500 वैक्सीन की खुराक पहुंच चुकी है। हर जिले को पंजीकृत हुए स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के अनुसार वैक्सीन भेजी गई है। जम्मू जिले को 11,580 खुराकें मिलेंगी। इसमें से कुछ खुराक सेना व अन्य सुरक्षा बलों को भी दी जाएगी। कश्मीर से भी स्वास्थ्य निदेशालय से सभी जिला हेडक्वार्टर में वैक्सीन भेज दी गई है। अब शुक्रवार को गुरेज में हेलीकॉप्टर से वैक्सीन भेजी गई है, जबकि अन्य सभी जगहों पर सड़क मार्ग से ही वैक्सीन जाएगी। गुरुवार देर शाम डोडा में भी कोरोना वैक्सीन की 1950 डोजेस पहुंच चुकी हैं, जिसे चिन्हित किए गए फ्रंटलाइन वर्कर्स को 16 जनवरी से देशव्यापी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जाएगा। जगती टेनामेंट कमेटी व सोन कश्मीर फ्रंट जेएनके ने कहा है कि जब तक सरकार कश्मीर में अलग से सैटेलाइट टाउनशिप नहीं बनाएगी, विस्थापित कश्मीरी पंडितों की घर वापसी संभव नहीं है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के इन संगठनों का कहना है कि सैटेलाइट टाउनशिप बनाकर सरकार 35,000 कश्मीरी पंडितों का घाटी में पुनर्वास कर सकती है, लेकिन बार बार आग्रह करने के बावजूद सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। जम्मू में नवाबाद पुलिस ने मादक पदार्थ हीरोइन की तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 25 ग्राम हीरोइन को बरामद किया है। जब हीरोइन को जांच के लिए और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया। आरोपी हरमीत सिंह निवासी डिगियाना के विरुद्ध नवाबाद पुलिस थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर खान ने ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मानसर का दौरा किया और मानसर के कायाकल्प और विकास योजनाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर बशीर खान ने कहा कि मानसर को पर्यटक हब बनाने के हितधारकों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने मानसर में 500 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पिछले शुक्रवार को कासिम नगर चौक पर हुए गोलीकांड के सभी आरोपियों को पुलिस ने दबोच लेने का दावा किया है। पैसे के लेने में हुए इस गोलीकांड में आरोपियों ने रिवॉल्वर से हवा में 2-3 राउंड फायर किए थे। ये जानकारी SSP जम्मू श्रीधर पाटिल ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। जम्मू कश्मीर पंचायत राज मूवमेंट ने बैक टू विलेज कार्यक्रम को सफल और उसके तहत उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा इकोनॉमिक पैकेज दिए जाने के लिए प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का उपराज्यपाल को शुक्रिया किया। उन्होंने आगे प्रशासन से मांग की कि सरकार की 3 स्तरीय प्रणाली की सफलता के लिए पंचायत को 25 लाख का धन मुहैया करवाने के लिए किए गए वादों को कुछ समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।